बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राम मंदिर पर ऐसा बयान दिया जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया जी। भारतीय जनता पार्टी जगदानंद सिंह के बयान को राम भक्तों का अपमान करार दे रही है। वह आरजेडी राम नाम पर सियासत के बहाने बीजेपी पर हमला कर रही है। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में चिकन चुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार। आप कौन होते हुए बोल रहे हैं क्या राम मंदिर के पुजारी है? यहाँ नफरत की जमीन पर राम की मंदिर का निर्माण हो रहा है। 2023 की शुरुआत के साथ ही राम मंदिर पर बयानों का दौर शुरू हो गया है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर वार पलटवार वाला शोर शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा विवाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर छिड़ा है, जिन्होंने नफरत की जमीन पर राम मंदिर के निर्माण वाला बयान दिया और अपने बयान से बिहार के सियासी माहौल को गर्मा दिया। कण कण से सिमट करके केवल उस पत्थरों की चार दीवारी में राम चले गए। जहां नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों की अब राम बचेंगे। बीजेपी जगदानंद सिंह के बयान को शर्मनाक बता रही है, इस बयान को राम भक्तों का अपमान बता रही है। वो आरजेडी राम मंदिर निर्माण पर राजनीति के बहाने बीजेपी पर वार कर रही है, बीजेपी पर राम के नाम पर बांटने वाली सियासत का आरोप लगा रही है। जगता बाबू, तेजस्वी यादव, लालू यादव का बस चले तो वहाँ राम मंदिर के बजाय मस्जिद का निर्माण करवा दें। यही लालू यादव थे जो कहते थे कि वहां पर मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद बनना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, समाज में एक सांप्रदायिक सद्भाव, विभिन्न धर्मों में ऐसा सद्भाव पैदा हुआ है कि मुस्लिम समाज ने भी राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। और वैसी स्थिति में जगता बाबू का यह बयान कि नफरत की जमीन पर बन रहा है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो सेडिशन का केस दर्ज किया जाना चाहिए। ये जो बीजेपी जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को भड़काने और उन्माद फैलाने का काम करती है, ये भाजपाई दंगाई लोग, ये भगवान राम पर राजनीति करने वाले लोग क्या जानेंगे? रामचरितमानस कभी पढ़ा नहीं, भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में कभी उतारने का प्रयास नहीं किया, वो भगवान राम पर प्रवचन करेंगे? दरअसल पूरा विवाद छिड़ा गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर, जब त्रिपुरा की रैली में उन्होंने राम मंदिर निर्माण की तारीख बताई। तो मैं एक बात बताने आया हूँ, 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। अब विरोधी दल बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए भगवान राम के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस समेत कई दल बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। वो कहते हैं भाई राम मंदिर बन रहा है, 1 तारीख उसका उद्घाटन है। अरे ठीक है, सभी लोग तो भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन आप क्यों घोषणा करते हैं इसकी, वो भी चुनाव में और आने वाले चुनाव में? वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव रहता है तो 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का, क्या राम मंदिर के पुजारी है? इन सियासी हमलों से साफ है कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। राम मंदिर की तारीख बताकर इस मुद्दे को गर्मा दिया।